अवैध असले फैक्ट्री का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 असले तस्करों का भी को भी गिरफ्तार कर लिया है। खबर आपको दिखा रहे हैं जहां असला फैक्ट्री से 5 तमंचे 2 राइफल भी बरामद किए गए हैं। खबर आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से जहां पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 असले तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अरनिया के नागल गांव में मारपीट की एक घटना हुई थी जिसमें फायरिंग हुई थी और कुल 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे। इसमें एक के आँख के पास छर्रा लगा था, एक के कान में छर्रा लगा था, तीसरे को सामान्य चोट थी। जब अभियुक्तों के बारे में अभिसूचना संकलन और का गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो थाना प्रभारी को ये बात जानकारी में आई कि इनमें से अभियुक्त सौरभ और दुर्गपाल ये 2 ऐसे हैं जो अपने ट्यूबवेल पर ये एक अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं और ये लोग रात के समय उस ट्यूबवेल से वो सामान निकाल के भागने की फिराक में थे कि बीती रात लगभग 3:35 के आसपास उन्हें I-10 कार के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 राइफल 315 बोर की देशी, 3 तमंचे 315 बोर के, 2 तमंचे 12 बोर के, 10 जिंदा कारतूस 315 का, 2 जिंदा कारतूस 12 बोर का, 2 खोखे कारतूस 12 बोर के, 1 खोखा कारतूस 315 बोर का बरामद किया गया है। इसके साथ ही अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण में नाल, पिलास, सणसी, रेती आदि, ब्लेड, हथौड़ा, पेचकस आदि जो भी आवश्यक सामग्री है जिसकी मदद से अवैध असलहे बनाए जाते हैं वो सब इनके कब्जे से बरामद किया गया है। इनके 3 साथियों की और तलाश की जा रही है। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मौलाना सुफियान निजामी ने कहा